तो नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी, MOLARITY, मोलैरिटी है, कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम और कैपिटल एम, स्मॉल एम है मोलैरिटी और मोलैरिटी आर आएगा तो कैपिटल एम है। डेफिनेशन सेम है पहले वाली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसे कहेंगे मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। अब इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखो लीटर है यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी जो इसकी यूनिट होती है वो यहीं से निकल जाएगी। देखो ये मोल है, ये लीटर है, तो हो जाएगा मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम भी लिख देते हैं, एक ही बात है। तो मोलैरिटी में क्या चेंज है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, और यूनिट मोल पर लीटर या कैपिटल एम। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब देखो क्या होता है कि जनरली हम ए जो वर्ड है उसको ध्यान रखना सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बुक में होगा 1 या A, और अगर 2 लिखा होगा या B लिखा होगा तो हम उसको सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमने कहाँ पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो शॉर्ट में हम क्या दिखाएंगे, देखो वेट के लिए W और सॉल्यूट के लिए B, WB अपॉन MB, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब होता है तो उसमें क्या होता है, मोस गिवन नहीं होता है, तो मोस गिवन नहीं होता है तो हम उसको पहले ही शॉर्ट कर देंगे। तो ये हम क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट, ठीक। अब होगा क्या, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में, अगर हम उसे किस में चेंज करना चाहेंगे, ML में, तो हम क्या करेंगे, ML अपॉन 1000, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 500 ML और हमें किस में चाहिए, लीटर में, तो हम क्या करते हैं, अपॉन 1000 करना पड़ेगा, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, ML से किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में, 500 ML तो ML में है लेकिन हमें चाहिए लीटर में, तो हम क्या करते हैं, 500 अपॉन 1000, तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो ये ध्यान रखना, ये दो चीज हमने यूज करनी है। अब आगे देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये शॉर्ट में हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट अपॉन मोलर मास, ठीक, वॉल्यूम किस में था, ये लीटर में था, तो हमने कहा वॉल्यूम को ML में लेने दो, अपॉन 1000। अब ये क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये यहाँ पे, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला बन गया वो है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू, हाँ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है टोटल और इन ये है लीटर। सॉल्यूट, ठीक है। यस सर। हाँ तो एक ये फॉर्मूला जो हमने यूज करना है पहला। अब देखो
दूसरा फॉर्मूला इसी के बेस पे पहले क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर वन, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, और यहां पे डेंसिटी भी आपको देंगे 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, अब करना क्या है देखो, अगर मैंने कहा मोलैरिटी निकालो तो मोलैरिटी के लिए क्या होगा, मोलैरिटी के लिए अभी हमने इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताई आपको। शॉर्टकट ट्रिक क्या थी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन mb इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इन ml। अब डब्ल्यू बी का मतलब वेट, तो वेट आपको दिया हुआ है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम डब्ल्यू बी, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना 500 ml, तो ये 500 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और mb मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको NaOH का मोलर मास निकालना पड़ेगा। NaOH, Na है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, इन सबको मिला के 40 आ गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले में क्या होगा, 4 × 1000 अपॉन 40 × 500। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1230, 1230, तो 1/5 यानी 0.2 मोल पर लीटर या कैपिटल एम, तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ग्राम में दिया होगा, मोल में नहीं दिया होता, और जनरली ml में दिया होता है, लीटर में नहीं दिया होता। तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट इस मेथड को यूज करके आसानी से कर लोगे, नहीं तो क्या होगा, पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फिर वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना है, फिर उसे फॉर्मूले में पुट करोगे तब आंसर आएगा। ठीक है, यस सर, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी का देखो स्टेप सेम चलता है सबका। कौन सा स्टेप सेम चलेगा, देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास ऑन डाइल्यूशन, जैसे उसमें था वही इसमें भी है। तो अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, जैसे आपने एक मिक्सर ये लिया, ठीक है, इसकी मोलैलिटी हो गई m1 और वॉल्यूम हो गया v1। अब मैंने इसमें वाटर एड कर दिया यानी डाइल्यूट कर दिया, वाटर एड का मतलब होता है डाइल्यूशन, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। तो जब एडिशन ऑफ वाटर होगा, आपने इसको वाटर एड किया, तो कंसंट्रेशन इसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है, पहले m1 थी अब m2 हो जाएगी, वॉल्यूम v1 था यहाँ v2 हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज होगी, अब कंसंट्रेशन चेंज होगी तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा, जैसे उसमें लगा था m1 v1, अब कैपिटल m, m2 v2, देखो फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अगर स्मॉल m दिया है तो स्मॉल m का, कैपिटल m दिया है तो कैपिटल m का। तो क्लियर हुआ ये, यस सर, ओके। तो इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने पहले कराया था आपको, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसे खुद करना। मैंने कहा आपको 500 ml ऑफ 0.1 MSCl, ठीक है, इन विच 200 ग्राम थ्रू, इसे 500 ही कर देते, 500 ml ऑफ वाटर इज डिजॉल्व, 500 ml वाटर इज डिजॉल्व, तो व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, बता सकते हो इसका आंसर सर, फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो ये क्या होगा आपका v1 और ये क्या हो गया आपका m1, ठीक है, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 हो गया आपका 0.1, v1 हो गया 500। अब m2 आपको निकालना है, m2 तो निकालना है आपको, v2 कितना लेंगे बताओ
अच्छा निधि कह रही है 1000, श्वेता बताओ सर 500। तो इसका आंसर है 1000, क्योंकि 500 तो हमने वाटर डिसॉल्व किया है, और पहले कितना था? नहीं है ना है? सर डाइल्यूजन में होगा ना 500? नहीं डाइल्यूशन में नहीं, इसका लैंग्वेज पढ़ो। देखो मैंने कहा 500 ml वाटर बाहर से मैंने डिसॉल्व किया है, 500 तो पहले से था, और 500 में बाहर से लाया और मैंने वाटर मिला दिया, तो अब टोटल कितना होगा वॉल्यूम? 1000 हो जाएगा ना, तो ये 1000 लिखेंगे। अगर ये आता कि देन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, तो व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी, तब जो भी यहाँ पे लिखा रहता उसी को हम V2 मानते। इसलिए मैंने कहा था इसमें लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, कि वो कह रहा है कि हमने वाटर मिक्सअप किया, और या फिर वो कहेगा कि डाइल्यूशन करने के बाद इतना वॉल्यूम हो गया उसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से M2 लिख लो, M2 is equal to 0.1 × 500/1000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, इसको यहाँ से ये 10 यहाँ से जाएगा, हाँ तो कितना जाएगा 0.05, ठीक है। तो देखो पहले कितना था 0.1 था, अब उससे कम होगा ना, क्योंकि जब पानी मिलाओगे तो क्या होगा मोलैरिटी कम हो जाएगी, तो ये कम हो जाएगी 0.1 से 0.05 हो जाएगी। क्लियर है? बताओ यस नो? यस सर। ओके अब देखो नेक्स्ट वन है, सेम जो हमने कल बताया था वही इस केस में होगा। सेकंड है इसमें टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ जैसे एक सॉल्यूशन आपने ये लिया, इसको मिक्सअप कर दिया दूसरे के साथ, और ये अब बताओ बोलेंगे कितना हुआ। हाँ तो ये था सपोज M1 और वॉल्यूम V1, ऐसी इसमें मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2। अब वो कहेगा मोलैरिटी जब दोनों को मिलाएंगे तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? अब देखो वॉल्यूम इन दोनों का मिक्सचर होगा, यानी V3 क्या हो जाएगा V1 + V2। इन दोनों को मिला के जो वॉल्यूम आएगा वो दोनों को प्लस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 V1 + M2 V2 = M3 V1 + V2। हाँ तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये अभी भी M3। हाँ तो V2 सेम है मोलैरिटी का। हाँ V1 + V2 को हम V3 लिख सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो V3 में क्या होगा, V3 का मतलब आपको V1 + V2 ही ऐड करना पड़ेगा ना, वही V3 है V1 + V2। हाँ तो V1 + V2 भी लिख सकते हो आप और V3 भी लिख सकते हो आप, लेकिन V3 का मतलब V1 + V2 ही होगा, ठीक है। Yes, sir. Okay. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके भी क्वेश्चन देता हूं मैं। मैंने कहा यहाँ पे 20 ml ऑफ 0.2 mSCl को डिसॉल्व किया हमने 50 ml ऑफ 0.1 mSCl, ठीक है mSCl। तो बोलेगा कि अब बताओ जो सॉल्यूशन बना उसका रिजल्टेंट मोलैरिटी कितनी होगी।
कि 20 ml ऑफ 0.2 mSCl इज डिजोल्व इन 50 ml ऑफ 0.1 mSCl, तो व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी? जो आपने मिक्स कर दिया उसके बाद उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? निकालना है, हाँ आ जाएगा V1 इसे M1, इसको V2 इसे M2, M3 आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये हमारा ये पोर्शन होता है आपका खत्म, मोलैरिटी वाला। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं अभी इसके बाद एक साथ कराऊंगा आपको कंसंट्रेशन के पूरे, ताकि क्या होगा कि एक साथ ही कर लेंगे फिर क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से 11th में। यस सर, पढ़ा है ना? यस सर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, मोल का मतलब मोल के टर्म्स में हम फ्रैक्शन करेंगे। सपोज करो कोई चीज होती है, ये है, ठीक है, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। 1 कैसे मानेंगे? सपोज करो आपने कोई पार्टी करी, पार्टी में 3 लोग थे, A, B और C। ए ने 100 रुपीज दिया, बी ने 200 रुपीज दिया और सी ने 500 रुपीज दिया। अब मैं बोलूंगा इनका फ्रैक्शन बताओ कितना किसने कंट्रीब्यूशन किया, फ्रैक्शन कितना हुआ। तो ए का फ्रैक्शन क्या हुआ? तो हम क्या करते हैं कि टोटल मिक्सअप कर देते हैं, 5 + 2 = 7 + 1 = 8, यानी टोटल 800 की पार्टी हुई और उसमें ए ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, 100। तो 800 को 800 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 और 2.5 के आसपास। ठीक है, तो ये ए का कंट्रीब्यूशन है फ्रैक्शन में। अगर मैंने कहा बताओ बी का कितना कंट्रीब्यूशन है फ्रैक्शन में, तो 200 कंट्रीब्यूट किए अपॉन टोटल, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 1/4 यानी 0.25। ऐसे 500 ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, 500 अपॉन 800। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये 0.6 के आसपास आ जाएगा। तो देखो 6 × 8 = 10 सर, एवन 0.12 के आसपास आ रहा है, 0.12। हाँ, तो हमने कहीं पे मिस्टेक कर दिया। फिर देखो 1/8 कितना होता है, 8 है, 1.08 तभी कह रहा हूँ मैं, मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, ये है 0.1। ठीक है, ये 1 आएगा, 8 × 1 = 8 तब 2 आएगा, ये फिर ये 20 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 फिर 40 होगा, फिर 5 1 to 5 आएगा, क्योंकि इन सबका +1 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 × 8 = 19 और जो ये बचा वो किस में आ जाएगा, 10 में हो जाएगा, यानी 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया, क्लियर? तो ऐसे यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन में भी यही होता है, मोल फ्रैक्शन को 1 मानते हैं, ओवरऑल 1 मानेंगे। तो सपोज करो कि ए और बी 2 है, ठीक, 2 आदमी है, 2 कंपोनेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, और बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं एन बी। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने कहा बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी प्लस। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ए हो या बी हो, कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या रेशियो है, डिवाइड कर दिया, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ, अच्छा एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो जैसे 2 कंपोनेंट है ए और बी, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए है
और इसके नंबर ऑफ मोल्स एन बी है, तो मैंने कहा बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप क्या कहोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है, इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। अब होगा क्या, देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट की बात कर रहा हूं ए या बी की, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या रेशियो है, डिवाइड कर दिया हमने, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका हमने निकालना है। अभी हमने क्या है ना, ए का तो ए की वैल्यू को ऊपर रख दे, तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स क्या होंगे, जितना दोनों कंपोनेंट का प्लस होगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या फिर पर मोल ऑफ सॉल्यूशन भी, पर मोल का मतलब इसको वन मान लो, ठीक है, तो भी फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो कई तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, ए की बात करेंगे तो ए को ऊपर लिखना, अगर मैंने कहा बी तो बी को ऊपर रखना, ठीक है, अगर सपोज करो मैंने कहा बी के बारे में बताओ, तो आप क्या कहोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल में तो सब आ जाएगा, ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन है और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। तो समझ में आया ये मोल फ्रैक्शन? यस सर। अब मैंने कहा अभी क्वेश्चन में कभी भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है गिवन, तो हम क्या करते हैं इसे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। अब इसको यहां रख दो, जैसे मैंने कहा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन फिर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, तो इससे सॉल्व करना है अब हमने, और इसको पहले ही डिवाइड कर देना, एलसीएम लेने के चक्कर में मत रहना, ठीक है, एलसीएम मत करना कभी भी, इसको पूरा डिवाइड करना। और एक चीज और है, जो मूल फ्रैक्शन ए का है और बी का है, दोनों का सम वन आएगा हर हमेशा, क्योंकि मैंने कहा ना टोटल हम वन मोल मानते हैं, तो इन दोनों का प्लस वन हो जाएगा, यानी आपने एक की वैल्यू निकाल दी तो दूसरे का आसान है, आपने एक्स ही निकाल दिया तो क्या होगा वन माइनस एक्स बी, और अगर एक्स बी निकालना है तो वन माइनस एक्स ए, तो एक की वैल्यू निकालो दूसरे को वन से माइनस कर दो, तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है? यस सर। अब देखो इसके बेस पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि 25% एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर आपने क्या कर दिया, से प्रिपेयर कर दिया, तो कहेंगे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने कहा था ये परसेंटेज होगा तो इसको एक्सटेंड करना है, 25% इसका मतलब क्या हुआ, 25 ग्राम एल्कोहल का मतलब C2H5OH है, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, और 75 ग्राम क्या है वाटर है, यानी हम इसे लेते हैं हर हमेशा W/W में, और 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिल गई, तो वेट ऑफ एल्कोहल कितना मिल गया 25 ग्राम, वेट ऑफ वाटर कितना मिल गया 75 ग्राम, ठीक, अब हमें क्या निकालना है मोलर मास निकालना,
क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है, मोलर मास जरूरत। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, देखो अब हम हटा देते हैं पहले से C2H5OH, तो C के दो हैं, 2 × 12, ऑक्सीजन के 6 हैं तो 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन के 16 है तो 16 हो जाएगा, तो 12 × 2 = 24 प्लस 6 30 प्लस 6 16 46। दूसरा मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर के लिए 2 × 1 प्लस 16 यानी 18 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, देखो अब वैल्यू पुट कर दो, अब किसी के भी निकाल लो, जैसे मैंने कहा मोलर मास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसे इससे दिखाते हैं, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहल, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन होता नहीं है तो इसको और एक्सटेंड करेंगे, वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ सर अपनी 46 और 18 वाला रिपीट कर दो। 46 और 18 हम निकालते हैं मोलर मास, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर मैं इसे दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। वेट ऑफ एल्कोहल, अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको मोलर मास बताऊंगा। C2H5OH, ये समझ में आया आपको फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, फिर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहल है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब हम क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं दिखाता हूं आपको मोलर मास मैंने कैसे निकाला। जैसे मोलर मास के लिए C2H5OH, तो आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो अब निकालने के लिए क्या करेंगे, C के 2 हैं, 2 × 12, हाइड्रोजन के 5 + 1 6 है तो 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 है, एक ही है तो 16 हो जाएगा, तो 12 × 2 = 24 प्लस 6 30 और प्लस 16 46, तो 46 हो गया एल्कोहल का मोलर मास। वाटर के लिए 2H हैं, 2 × 1, और ऑक्सीजन एक है तो 16 हो गया, तो 16 प्लस 2 18, तो ये मोलर मास हो गया। आया समझ में? Yes, sir. अब फॉर्मूला लगा दो बस। जैसे मैंने कहा मोल फ्रैक्शन वाटर का, तो वेट कितना है वाटर का, 75 अपॉन 18, फिर ये भी होगा 75 अपॉन 18 प्लस अल्कोहल था 25 अपॉन 46 बस। अब आपको एलसीएम नहीं लेना है इसमें, किसका पूरा एलसीएम लो, पूरा इसको डिवाइड करो, ठीक है। इसको क्या करो, 1/1 इसे डिवाइड करो, तो ये भी वही आ जाएगा, ये दोनों सेम है, फिर इसको डिवाइड करना है, फिर आपको इन दोनों को प्लस करना है और फिर उसको डिवाइड करना है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो आया है समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। अब आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, PPM, इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होता है PPM। तो PPM में क्या होता है, देखो PPM में होता है जैसे परसेंटेज में होता है, सबसे पहले ये यूज किसके लिए होता है, ये होता है जब हम वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसकी डिफाइन भी किसकी तरह है, परसेंटेज की तरह, बस डिफरेंस क्या है, ये मिलियन में होता है, मिलियन मतलब 10^6 में, तो 10^6 में है, और परसेंटेज का मतलब पर 100 है, तो पर 100 का मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी कम है उससे हम मिलियन में काउंट करेंगे। तो हम कहते हैं डेफिनेशन भी सेम है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 मिलियन, 1 मिलियन पार्ट्स,
by mass of solution, by mass of solution, उसे कहते हैं ppm. फॉर्मूला भी सेम है इसका. फॉर्मूले में क्या था देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये परसेंटेज में भी था, इसमें भी सेम है. बस यहाँ पे किससे काउंट कर रहे हैं, 1 मिलियन से. 1 मिलियन मीन्स 10^6, तो उसको 10^6 से मल्टीप्लाई कर दो. परसेंटेज में 100 से काउंट कर रहे थे, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो ये हो गया ppm. सेम है जैसे कौन सा था आपका, क्या बोलते हैं उसके लिए, मास परसेंटेज. हाँ, मास परसेंटेज की तरह. इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, क्योंकि दोनों ग्राम में है. ठीक है, ये भी ग्राम में, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती. तो हम ppm लिख देते हैं बस, जैसे परसेंटेज होता है तो लास्ट में हम परसेंटेज लिख देते हैं, ऐसे इसके लास्ट में ppm लिख देते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे. 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट. ठीक है, तो इसको किस में बताओ, ppm में. कन्वर्ट इट इनटू ppm, इसे ppm में बताओ. तो हम क्या करेंगे, ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6. अब क्या होगा, 3 जीरो इसको दे दो, 2000 इंटू 10^3 अपॉन 500. 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, 5 पंजा 5 4 जा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × 10^3 ppm. ठीक है, तो ये इसी तरीके से करना है. क्लियर है? यस सर. अब देखो एक और है इसमें, आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को ppm में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज इनटू ppm. ठीक है, तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा 50% HNO3 इन वाटर. ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है. अब इसे ppm में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ये है. तो 25% का मतलब क्या हुआ, कि 25 ग्राम क्या है, HNO3 है. ठीक, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है. हमें सॉल्यूशन का ही वेट चाहिए, तो अब हम ppm का फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6. अब 2 जीरो हटा दो इसके, 4 कर दो, तो आ जाएगा 25 × 10^4 ppm. तो ये वैल्यू देखो बहुत ज्यादा है और ये कम है, तो परसेंटेज का मतलब पर 100 से, ppm का मतलब पर मिलियन से, तो पर मिलियन से वैल्यू ज्यादा आएगी, परसेंटेज में कम आएगी. ठीक है, Yes, तो समझ में आया. Yes, sir. हाँ, तो ये आपका कंसंट्रेशन वाला खत्म हो गया. इसमें एक है नॉर्मेलिटी, वैसे है नहीं लेकिन कई बार आपके पास पूछ लेते हैं, तो उसको जानना है तो बता दो, मैं आपको, वो टफ पड़ता है थोड़ा इससे, तो आप जानना चाहते हो तो बताओ, यस नहीं जानना है तो हम आगे बढ़ जाते हैं. सर बता दो. बता दूं? सर बता दो. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है कि कई बार इसमें आगे आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है वो, नॉर्मेलिटी वगैरह, तो थोड़ा बहुत आप इनिशियल नॉलेज उसकी होनी तो चाहिए. नॉर्मेलिटी होता है क्या, देखो नॉर्मेलिटी होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. देखो आपने और चीज पढ़ी होगी पर ये ग्राम इक्विवेलेंट नहीं सुना होगा, इसमें आता है ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डिसॉल्व्ड
in 1 liter of solution. ठीक है, denoted by capital N. Denoted by capital N. अब इसका फॉर्मूला भी सेम है, जैसे उसमें नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. देखो ये तो सेम था, लेकिन ये हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, ये आगे भी आएगा आपके पास. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप इसे फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन मास, जितना आपको मास गिवन होगा अपॉन, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ये आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स चैप्टर में 11th क्लास में. ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, इसीलिए टफ पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन बीच बीच में ये आएगा आपके पास, प्रैक्टिकल में भी ये वर्ड आएगा इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी वगैरह आती है, तो ये बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए. तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, जितना आपका मोलर मास होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर. ठीक, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट. तो यहां तक समझ में आया आपको? ओके, तो ये टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे फिर से. हाँ बताओ है, क्या कह रहे हो आप निधि? आवाज नहीं आ रही आपकी, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे, रिज्वाइन.